अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद गुलजार उर्फ गुलो पहलवान पट्ठा इनाम बट रुस्तम पाकिस्तान बट पुत्र यूनस पहलवान बर्फवाला। जी पहलवान जी, ये बताएं कि आप अपनी वर्जिश कैसे करते हैं? जी हम सुबह उठते हैं, पहले नमाज पढ़ते हैं, फिर हम खड़े आ जाते हैं, फिर आकर हम अपने यहाँ तेल लगाकर अपने जिस्म को रिलैक्स करते हैं, बाद में हम मेहनत का आगाज करते हैं। मेहनत के सबसे पहले हम ये जो अखाड़ा है हम इसे गुडाई करते हैं और बाद में पुशअप वगैरह करते हैं और दूर वगैरह लगाते हैं और सादा ये सब बना के और हम बाद में दूरे भी लगाते हैं। सुना है कि पहलवान 1000 डंड लगाते हैं, 2000 बैठकें लगाते हैं, आप एक दिन में कितनी बैठकें डंड लगाते हैं? जी हम भी सुबह टाइम तकरीबन 1500 डंड लगाते हैं और 1000 बैठक लगाते हैं और उसके बाद जो एक या दो मरतबा खाड़ा खाड़े की गुडाई करते हैं। ये हमारी सुबह की मेहनत है और जो साथ में पुशअप और डंबल वगैरह है ये अजाफी है। जी पहलवान जी, अपनी इवनिंग की रूटीन बताएं, शाम के वक्त क्या करते हैं आप? इस टाइम खाने से हम घर वापस से आकर खाना शाना खा के रेस्ट करते हैं और दोपहर के टाइम उठकर हमारी ज़्यादा कोशिश यही होती है कि हम चूरी और दूध का इस्तेमाल करें और उसके बाद हम खाड़े जाकर जोर वगैरह करते हैं। पहलवान जी, इतनी ज़्यादा वर्जिश तो बाद अपनी डाइट का भी कोई दसोगे, खाते पीते की हो? हम अखाड़े से घर वापस जाकर शरदाई पीते हैं जिसे बादाम कहते हैं और उसके बाद कुछ थोड़ा सा मक्खन, कोई घी वाली रोटी है और साथ में जो भी सालन मिल जाए उसके साथ घी को नहला के ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं और उसके बाद रात को मिल्कशेक या दूध वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। जी पहलवान जी, ये बताएं आपकी आज तक किस किस के साथ कुश्ती हुई हैं? रियासत के बहुत से पहलवान हैं जिनके साथ मेरी बहुत अच्छी फाइट्स हुई हैं। मैं अपनी पौड़ी के सारे पहलवानों से लड़ा हूँ, जो कि सुभान सियाल, तैयब पहलवान 18 जो कि डिवीज़न के रुस्तम है, और तैयब पहलवान जो अवान है, अहमद खड़वाला है, गुंगा पहलवान लाहौरी है, उनके साथ भी मेरी बहुत अच्छी फाइट्स हुई हैं और वो बहुत अच्छे पहलवान हैं और वो बहुत टफ कुश्ती थी गुंगा पहलवान के साथ भी। और आपकी सबसे मुश्किल तरीन कुश्ती कौन सी थी? मेरी सबसे टफ कुश्ती तैयब पहलवान अवान के साथ थी, जो कि तकरीबन 14 से 15 मिनट हुई, लेकिन उसमें मुझे शिकस्त मिली और उससे ज़्यादा अब मेहनत करके इंशाल्लाह दोबारा भी लड़ेंगे। किस शहर में आप कुश्तियाँ लड़ चुके हैं? मैं अब पाकिस्तान में तकरीबन हर जगह पर गया हूँ कुश्ती लड़ने, जैसा कि चाहूँगा मुल्तान, बहावलपुर, यार खान, सादकाबाद और सब जगह जाकर कुश्ती लड़ी है और पहलवानी का इस टाइम को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और मेरी आपसे यही गुजारिश है कि मेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें और मैं ताकि बड़ा पहलवान बनकर और पाकिस्तान का नाम रोशन करूं और मैं आउट ऑफ कंट्री जाकर मैं रेसलिंग भी कर सकूं और पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस टाइम अपनी मेहनत के भरपूर मेहनत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिट हूँ और मेरी जो भी कुश्ती करवाना चाहता है वो नीचे नंबर दिया जाएगा, उस पर रब्ता भी कर सकते हैं। जी पहलवान जी, ये बताइएगा कि आने वाले वक्त में आपका टारगेट क्या है? जी मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके मैं अपने उस्ताद की जगह हासिल कर सकूँ, जैसा कि मेरे उस्ताद का नाम है मोहम्मद इनाम बट वर्ल्ड चैम्पियन रुस्तम पाकिस्तान, जो वो बने, मैं इंशाल्लाह उनकी जगह लेने की कोशिश करूँगा।